नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। मैं आपको झारखंड का ऐसा गांव दिखाने वाला हूं जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है और यहां का कुआं भी सूख चुका है। यहां पे कई परिवार बसते हैं और ये गांव है खूंटी ज़िला के रनिया प्रखंड अंतर्गत रायबेड़ा का संगा टोली। आसपास में कई टोली हैं, वहाँ तक आज भी बिजली नहीं पहुँच पाया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि काफ़ी समय पहले से लगातार आवेदन देते आ रहे हैं मगर इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ हमारा देश कई क्षेत्रों में बड़े बड़े उपलब्धि हासिल करने की बात कर रहा, वहीं एक तरफ इन गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंच पा रहा और ना ही पीने की पानी का सुविधा मिल रहा, तो सोचिए देश कितना विकास कर रहा। इन गाँवों में विकास की परछाई भी नहीं पहुँच पाई है और ना ही जनप्रतिनिधियों के कदम पहुँचे हैं। अभी इन क्षेत्रों में भीषण गर्मी है और इस गांव का एकमात्र कुआं भी पूरी तरीके से सूख चुका है। इस गांव में इस कुएं के अलावा और कोई भी पीने के पानी का साधन नहीं है। एक तरफ कई जगहों में लोग पीने के पानी का दुरुपयोग करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन गांवों में लोग एक एक बूंद के लिए भी तरस जा रहे हैं। मेरा नाम ऐश्वर्यवती बूढ़ है। पानी कहाँ से ला रहे हैं? कुआं तो देख रहे हैं, पानी है नहीं। पानी हम लोग बहुत अब 1 किलोमीटर से ला रहे हैं। बहुत थकवासी लगता है, सिर सब दर्द होता है और वहाँ नलकूप भी नहीं निकलता है, बहुत देरी चलाने के बाद निकलता है पानी। मेरा नाम जॉनसन संगा है। समस्या तो बहुत ज़्यादा है, पानी का अभाव है। कुआँ है गांव में? कुआँ है, लेकिन वो ये ग्रीष्मकाल में पानी सूख गया। तो अभी कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? हम लोग पश्चिम सिंहभूम जल मीनार से ला रहे हैं। कितना किलोमीटर? लगभग 1.5 किलोमीटर। कोई आवेदन दिए थे इसको लेकर? आवेदन पहले दिए थे, वो दे ये ब्लॉक में क्या जिला परिषद वाले सब आए थे ओलंगेर टोली में। हम लोग ग्राम सभा में किए, आश्वासन दिए, एप्लीकेशन सब बना के दिए हैं, लेकिन कहाँ चला गया पता नहीं। अमृत लुगुन जानता, दरबार में भी दिए लेकिन वो लोग बोलते रहता है हाँ मिलेगा मिलेगा, अभी तक तो इतना दिन हो गया नहीं आया। कितना साल से ऐसा दिक्कत हो रहा है आप लोग का पानी का, क्योंकि यहाँ सूख रहा है? 10 साल से ज़्यादा, जैसे कि हम जब ये कुआं बना था उस टाइम मैं छोटा ही था, उस टाइम से अभी तक ऐसे ही है। मतलब तब से मतलब आप लोग दूर से ही ला रहे हैं? हाँ। मेरा नाम नंजन संगा है। सबसे ज़्यादा हमारे गर्मी सीजन में पानी का अभाव है, पानी नहीं गिरता है। हम लोग करीब यहाँ से जगह जगह से पानी लाते हैं, है ना, करीब 1.5 किलोमीटर का भी 2 किलोमीटर हम लोग का पानी का कोई एक अस्थाई नहीं है। हमारा रायबेड़ा जो है 2 डिस्ट्रिक्ट पकड़ता है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट पकड़ता है, पश्चिम सिंहभूम भी पकड़ता है एरिया लेके। तो अभी तक चाईबासा डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा मोड़ा, ये आप सामने पीच देख रहे हैं, ये उधर से सुविधा मिली है, दरखास्त के रूप में दिया था, लेकिन आज तक खूंटी डिस्ट्रिक्ट तरफ के जितने भी बड़े अधिकारी हैं आज तक विशेष ध्यान नहीं दिए हैं। खास करके देखिए, समस्या तो बहुत आती है, लेकिन पानी, बिजली, स्कूल बच्चों के लिए पढ़ाई, यही सब समस्या कम से कम सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें बहुत दुख लगता है, लेकिन आज तक ध्यान नहीं दे रही है सर। जल ही जीवन है, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग फंस गए हैं। इधर सिधीर कोना बस्ती से हम लोग पानी ढोक के लाते हैं, ओलंगेर से लाते हैं इधर पश्चिम। कितना किलोमीटर होगा आपके गांव से? सिधीर कोना 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। और ये कब से ऐसा समस्या आ रहा आपके गाँव में? मतलब कब से बोलते हैं, लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया है। 2 महीना 2.5 महीना हम लोग दूर से लाते हैं। सीजन में तो पानी आने के बाद तो हम लोग का सुविधा हो जाता है। सोचिए, देश आज़ाद हुए, झारखंड की स्थापना हुए, झारखंड में कितने MLA विधायक कितने बदल गए, चेंज हो गए, लगातार सत्ता पार्टी बदलते रहती है, मगर इनका जीवन में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और यही वजह है कि इन घरों में रहने वाले जितने आदिवासी परिवार हैं उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वो लिखित आवेदन दे दे कर थक चुके हैं मगर अब तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के मजबूर ग्रामीण पानी लाने के लिए काफ़ी दूर से उन्हें जाना पड़ रहा है। रात के समय में यहाँ के स्कूली बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हर जगह पे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वे गांवों तक बिजली कनेक्शन कनेक्टिविटी जोड़ने की बात करते हैं, यहाँ पर नेटवर्क भी सही से नहीं आता है। यहाँ के लोगों को बात करने में दिक्कत, पानी के लिए दिक्कत, स्कूल के लिए दिक्कत। तो इनके लिए कोई भी सुविधा जो ग्रामीण लोगों को मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, वो कोई खास मिल नहीं पा रही है।
मेरे गांवों का सफर इसी तरीके से जारी रहेगा और मैं इन गांवों की समस्याओं को दिखाता रहूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।